तो सभी को बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में, जो आंखों के किनारे, जो आंखों की स्किन होते हैं उसे आसपास काले घेरे जो पड़ जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ रीजंस बताऊंगा मैं कि किन कारणों की वजह से आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं इनको ख़त्म करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है शेप अप इंडिया। थैंक यू सो मच। तो डार्क सर्कल्स बेसिकली क्या होता है, जब आपकी आंखों के आसपास की स्किन है वो आपकी बाकी स्किन टोन से डार्क होने लगती है तो उसी को हम लोग डार्क सर्कल्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में आपने देखा होगा कि उनके आंखों के नीचे काला काला पड़ जाता है, तो वो शुरुआती दौर है डार्क सर्कल्स का, क्योंकि सर्कल मतलब आपके पूरे आंखों के इर्द गिर्द सर्कल बन जाएगा, वो डार्क हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि आप लोगों को किसी ने दो दो मुक्के मारे हैं आंखों पे, इसी वजह से वो काले पड़ गए हैं। तो डार्क सर्कल्स इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो आंखों के चारों तरफ काला काला हो जाएगा, और अगर आपके आंखों के नीचे काला काला है तो फिर समझ लें कि वो शुरुआती आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो भाई इसके रीज़न क्या होते हैं, डार्क सर्कल्स कैसे पड़ते हैं हम लोग को, तो ज़्यादातर रीजंस आप लोग को आई एम श्योर कि पता ही होगा कि किन किन वजहों से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। कुछ रीजंस मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो सबसे मेन कारण है वो है आपकी नींद पूरी ना होना। अब नींद पूरी ना होने की वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो नींद, आप एक अच्छी नींद लें, लगभग 7 से 8 घंटे की आपको प्रॉपर नींद चाहिए, जिसकी वजह से आपकी आंखें और आपकी पूरी बॉडी एक तरीके से रिफ्रेश हो जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे हैं, बहुत ही रात को देर में सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी आंखों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से आपकी आंखों के नीचे जो है काले घेरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा जो मेन रीज़न है आपके आंखों के इर्द गिर्द जो डार्क सर्कल्स पड़ते हैं उनका, वो है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना। अब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से भी काफ़ी सारे बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, और सिर्फ डार्क सर्कल्स ही नहीं और भी काफ़ी हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं इसके। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, आजकल सिगरेट हुक्का बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा पीते हैं तो उसको लिमिट करें, थोड़ा सा कट डाउन करें उसको, और अगर नहीं पीते तो काफ़ी अच्छी बात है। आपकी और भी कोई वजह हो सकती है डार्क सर्कल्स की, लेकिन अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फिर एक मेन वजह वो भी हो सकती है आपके डार्क सर्कल्स के लिए। अगला रीज़न ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा समय तक हम लोग लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन के सामने जब बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि टीवी से निकलने वाली जो रेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं हम लोग की आंखों को, और लगातार काफ़ी टाइम तक बिना ब्रेक की टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप कुछ भी यूज़ करने से हमारी आंखों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिसका फल स्वरूप हम लोग को डार्क सर्कल्स भी मिलते हैं और आंखें जो हम लोग की आई साइड होती है वो भी वीक हो जाती है कई बार। तो आप लोग, जिन लोग जॉब करते हैं, जिनकी मजबूरी है बैठना, तो कोशिश ये करें कि बीच बीच में लगभग 1 घंटे 2 घंटे के बीच में आप ब्रेक लेते रहें, 5 मिनट 10 मिनट का, और उस ब्रेक के अंदर आप आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं, उसके बाद वापस से अपना वर्क जो है शुरू कर सकते हैं। हाँ, बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं ताकि आपकी जो बॉडी वो हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी ना हो आपकी बॉडी में, तो उससे भी आंखों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये तो कुछ मैंने रीजंस बता दिए हैं, और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं बट मेनली 3 यही रीज़न होते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूँ जो आप अपने डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए लगा सकते हैं। देखिए, आप अपने डार्क सर्कल्स पे गुलाब जल, एलोवेरा जल, बादाम रोगन, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं, और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यूज़ किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला डार्क सर्कल्स में। तो सबसे पहले अगर आप बादाम रोगन यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर विटामिन ई होता है भरपूर मात्रा में, तो विटामिन ई बेसिकली क्या करता है, आपकी जो डार्क स्किन है उसको लाइट करने का काम करता है, और साथ ही साथ जो भी डेड स्किन सेल्स है उसको रीजनरेट करता है। तो आप रात को सोने से पहले बादाम रोगन जो तेल होता है उसको अपने उंगलियों पे लें, और उंगलियों पे लेने के बाद अपनी आंखों के नीचे अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद उसको सो जाएं, और सुबह उठने पे उसको ठंडे पानी से अच्छी तरीके से धुल लें। दूसरी चीज़, गुलाब जल आप कैसे यूज़ करेंगे, जब भी आप कभी बाहर जाते हो, कड़कती धूप में जाते हो, तो सबसे पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जो कि है सनग्लासेस यूज़ करने हैं, ओके, जिससे कि आपकी आंखों पे डायरेक्ट यूवी रेज ना पड़े, और जब आप कहीं से बाहर से आते हो वापस
तो फिर आप अपनी आंखों को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धोएं, उसके बाद गुलाब जल को कॉटन में लेके उसको अपने आंखों पर रख के लेट सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, या कॉटन में लेके उसको अच्छी तरीके से अपने आंखों के नीचे जहाँ पे भी आपके डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे लगा के आप लेट सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारा फ़ायदा करती हैं आपकी आंखों के लिए। और रात को सोने से पहले अपनी आंखें ज़रूर धुल लें, सुबह उठने के बाद भी अपनी आंखों को ज़रूर धुलें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, रेमेडीज़, बादाम, रोगन और गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं आप अपने डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए, साथ ही साथ एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल आप जब कभी बाहर जा रहे हो धूप में तब ना लगाएं, जैसे घर में आपको घर पर हैं तो तब आप लगा सकते हैं उसका। तो एलोवेरा जेल से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं स्किन के। और कोलाजन जो स्किन में कम हो जाता है जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है डार्क सर्कल्स का। तो एलोवेरा जेल लगाएं, विटामिन ई जैसे मैंने बताया कि जो बादाम रोगन है उसको आप लगा सकते हैं, और लगभग एक महीने में आपके डार्क सर्कल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक अच्छी नींद लेना, ओके, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको कट डाउन कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा अगर लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करना है तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए आप, और जो मैंने रेमेडीज़ बताए उसका यूज़ कीजिए।